नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रीय उद्यान यानी कि भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वन्य जीव अभ्यारण से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को देखेंगे। जैव मंडल रिजर्व भारत में कुल 18 हैं तो उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाली एग्जाम खंड शिक्षा अधिकारी RO UPPSS सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप वहां से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान जो है जुलाई 2019 तक लेटेस्ट हैं। तो पहला जो है अंसी राष्ट्रीय उद्यान, यह कर्नाटक में है। अंसी भद्रा कभी कभी पूछा जाता है तो यह कर्नाटक में है। सन आपसे नहीं पूछा जाएगा और इसका क्षेत्रफल भी आपसे नहीं पूछा जाता है, तो याद रखिएगा अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह कर्नाटक में है। दूसरा जो है बालफकराम राष्ट्रीय उद्यान, तो यह मेघालय में है। तीसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो यह मध्य प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट आपका पहला है अंसी भद्रा, पूछा जाता है परीक्षाओं में। अगला जो है वह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह कर्नाटक में है, यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। नेक्स्ट है बन्नेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में यह भी है। और अगला जो है बंसदा राष्ट्रीय उद्यान, तो यह गुजरात में है। अगला जो है बेटला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, तो यह भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है बेटला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो झारखंड में। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अगला जो है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, जिसको बिलवादर के नाम से भी जाना जाता है, यह गुजरात में है। अगला जो है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, कई बार परीक्षा में पूछा गया, पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना जो है 1992 में ही हुई थी। और नेक्स्ट है कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो भारत का सबसे पहला यानी कि पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में है। 1936 में ही इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसे हैली के नाम से जो है जाना जाता था, तो इम्पॉर्टेंट है इसे याद रखिएगा। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, की स्थापना जो है 1936 में हुई थी। अगला है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, तो यह राजस्थान में है। और नेक्स्ट है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, असम में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, लखीमपुर खीरी पीलीभीत में है, उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा यूपी के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण है, 1977 में इसकी स्थापना जो है हुई थी। अगला है इराबीकुलम राष्ट्रीय उद्यान, यह केरल में है। और अगला है मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। आगे देखते हैं हम लोग गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तो यह उत्तराखंड में है। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, यह पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह उत्तराखंड में है। अगला है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जो है विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। अगला जो है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, तो यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है गुंडी या गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, यह तमिलनाडु में है, इंपॉर्टेंट है। अगला है कच्छ की खाड़ी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, यह गुजरात में है। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, यह तमिलनाडु में है। अगला जो है वह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, तो इंपॉर्टेंट है यह भी जो है, याद रखिएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो यह हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पूर्व में इसे अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, तो यह तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना 1989 में ही हुई थी। अगला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो यह कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान, तो यह नागालैंड में है। नेक्स्ट है कालीसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और नेक्स्ट है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो यह छत्तीसगढ़ में है। और अगला है कासू ब्रह्मनंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, तो यह इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है कैबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर में है, कई बार पूछा गया है।
कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, तो आंसर आपका होगा मणिपुर में। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह राजस्थान में है। अगला है कांगचेंदजुंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो यह सिक्किम में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। अगला है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और अगला जो है महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, इसे पूर्व में बांदूर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, तो ये कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट है महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तेलंगाना में है। अगला है मथिकेतन सोला राष्ट्रीय उद्यान, तो यह केरल में है। नेक्स्ट है मिडल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, यह अंडमान निकोबार में है। अगला है मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। नेक्स्ट है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है माउंट हैरिट राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट है मरुगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह तेलंगाना में है। अगला है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट है इसे जो है याद रखिएगा, कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। अगला है मुखुर्दी राष्ट्रीय उद्यान, तो यह भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। अगला है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, जिसे पूर्व में राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है, तो यह जो है कर्नाटक में है। अगला जो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, यह भी महत्वपूर्ण है, इसे भी याद रखिएगा। अगला है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, ये सब मैच करने के लिए आ जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है जो है नंदा देवी, नामदफा, नामेरी, तो ये सभी जो है याद रखिएगा। अगला जो है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है नेवरा वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। और अगला है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह मेघालय में है। नेक्स्ट है नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह अंडमान निकोबार में है। अगला है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह असम में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसको प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश में है। अगला है फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। नेक्स्ट है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। अगला है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। नेक्स्ट जो है वह रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। अगला है सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह भी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में है। अगला है सरिस्का टाइगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह भी राजस्थान में है। नेक्स्ट है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मणिपुर में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा में है, महत्वपूर्ण है। अगला है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह पश्चिम बंगाल में है। अगला जो है साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, तो यह जो है रिपीटेड है, अंडमान निकोबार में है। अगला है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। अगला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह हरियाणा में है। अगला है तादोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह उत्तराखंड में है, इसे जो है फूलों की घाटी भी कहा जाता है, तो यह उत्तराखंड में है। अगला है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह बिहार में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान, तो यह महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकता है, कहाँ है, तो यह छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। गुरु घासीदास, जिसको संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। अगला है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह उड़ीसा में है। अनायमुडी सोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, केरल में है। नेक्स्ट है बिसोन, जिसको राजबरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, त्रिपुरा में है। अगला है चांडोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। क्लाउडेड लियोपार्ड राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। अगला है दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह जम्मू कश्मीर में है, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया। अगला है इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, यह है। नेक्स्ट है डायनासोर फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में है। अगला है खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। अगला है मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, महत्वपूर्ण है। अगला है माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है। मुकुंद्रा हिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह भी राजस्थान में है। पाम बदुम सोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह केरल में है। नेक्स्ट है पापीकुंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह आंध्र प्रदेश में है। अगला है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो यह केरल में है। अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो यह राजस्थान में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह केरल में है, इंपॉर्टेंट है।
याद रखिएगा 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान है ये, तो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। अगला जो है जल्दा पाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह पश्चिम बंगाल। तो कुल जो है 104 राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। पूछा जा सकता है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, तो यहाँ से भी जो है प्रश्न पूछा जाता है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला जो है पाखल अभयारण्य कहाँ है, तो यह वारंगल आंध्र प्रदेश में है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ, तेंदुआ, चीतल और नीलगाय यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पेरियार अभयारण्य, तो यह इडुक्की जिले में है, केरल में। इसमें जो हाथी, बाघ, जंगली सुअर, तेंदुआ और सांभर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पलामू वन्यजीव अभयारण्य, यह डाल्टनगंज झारखंड में है। इसमें जो है बाघ, हाथी, चीता और तेंदुआ पाए जाते हैं। अगला है चंद्रप्रभा अभयारण्य, यह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। इसमें बाघ, तेंदुआ, हिरण और भालू पाए जाते हैं। अगला है जंगली गधा अभयारण्य, तो यह लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। इसमें जो है जंगली गधा, चिंकारा और भेड़िया पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अन्नामलाई अभयारण्य कहाँ है, तो यह तमिलनाडु में है। इसमें जो है सिंह, पुछबंदर, जंगली सांड पाए जाते हैं। अगला है मानस अभयारण्य, तो यह बारपेटा जिले असम में है। और गैंडा, जंगली भैंसा, हाथी, हुलाक, गिब्सन यहाँ पाए जाते हैं। अगला है जो है भीतरकनिका अभयारण्य, तो यह उड़ीसा के कटक में है। और इसमें जो है कछुआ, घड़ियाल के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला है केलामेरु पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो यह आंध्र प्रदेश में है। इसमें जो है पेलिकन एवं समुद्री पक्षी के लिए जो है यह अभयारण्य प्रसिद्ध है। अगला है रंगना येट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो यह मैसूर के कर्नाटक में है और विविध प्रकार के जो है पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है जल्दा पारा अभयारण्य कहाँ है, तो यह पश्चिम बंगाल में है। इसमें हाथी, बाघ, गैंडा, गोई, हिरण, तेंदुआ, सरसृप तथा अन्य प्रकार के पक्षी जो है पाए जाते हैं। अगला जो है पेरियार अभयारण्य कहाँ है, तो यह केरल में है। इसमें जो है सांभर पाए जाते हैं, चीतल, हाथी, जंगली भैंसा, कुत्ता, तेंदुआ और लंगूर इसमें पाए जाते हैं पेरियार अभयारण्य में। नेक्स्ट जो है नागार्जुन सागर अभयारण्य, तो यह आंध्र प्रदेश में है। इसमें जो है बाघ, भालू, तेंदुआ, बिल्ली, लकड़बग्घा, सांभर, चिंकारा, चीतल आदि जो है पाए जाते हैं। अगला है चिल्का झील अभयारण्य, तो चिल्का झील भी है और चिल्का झील के नाम से अभयारण्य भी है जो कि उड़ीसा में है। तो चिल्का झील पूछा जाता है, एक लैगून झील है, तो यह इसमें जो है सारस, बत्तख, सिद्ध, मत्स्य, सेंट पाइपर आदि जो है चिल्का झील अभयारण्य में पाए जाते हैं। अगला है हजारीबाग अभयारण्य, तो यह झारखंड में है और इसमें सांभर, जंगली सुअर, बाघ, नीलगाय, जंगली भैंस, तेंदुआ इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दचिगाम अभयारण्य, जो है जम्मू कश्मीर में है। तो कई बार जो है पूछा जाता है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दचिगाम जो है हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। एक बार पूछा गया था UPSC के एग्जाम में, तो हंगुल मृग के लिए जो है प्रसिद्ध है। इसमें काला भालू, सिराओं, तेंदुआ, मरमूट आदि भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है महावीर अभयारण्य, तो यह गोवा में है। तो इसमें जो है भालू पाए जाते हैं, हाथी, तेंदुआ, अजगर, उड़ने वाली गिलहरी, तो याद रखिएगा महावीर अभयारण्य में जो है उड़ने वाली गिलहरी भी पाई जाती है। अगला है कान्हा अभयारण्य, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसमें जो है चीतल, गौर, काला मृग, बारहसिंघा, अजगर, सर्प आदि जो है पाए जाते हैं। अगला है सुंदरबन अभयारण्य, यह पश्चिम बंगाल में है। इसमें बाघ, चीतल, जंगली सुअर, बिल्ली, बानर, चंदन गौर, घड़ियाल, सारस, बत्तख, बगुला, पेलकन आदि जो है पाए जाते हैं। अगला है शांत घाटी अभयारण्य, जो कि केरल में है। इसमें डॉल्फिन, मगर, डुगोंग, घड़ियाल, जलगोह, हाक्सबिल आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सागर अभयारण्य, तो यह केरल में है आपका। इसमें बाघ, हाथी, तेंदुआ, भालू, बानर, लंगूर आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फाकीम अभयारण्य, तो यह नागालैंड में है। इसमें बाघ, भालू, तेंदुआ, हाथी, सुअर, गैंडा, बंदर, घड़ियाल, कछुआ, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। अगला है कैबुल लामजाओ अभयारण्य, जो कि मणिपुर में है। इसमें जो है हिरण, संगाय, हिरण, जंगली बिल्ली आदि पाए जाते हैं। तो पूछा जाता है कैबुल लामजाओ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह संगाय हिरण के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है डंपा अभयारण्य, तो यह कहाँ है, तो मिजोरम में है। इसमें जो है हाथी, बाघ, तेंदुआ, लंगूर, हुलाक, उड़ने वाली गिलहरी, लारेंस, हाग बैजर, धनेश पक्षी जो है डंपा अभयारण्य, जो कि मिजोरम में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट अब जो हम लोग देखेंगे उसमें है जयमंडल रिजर्व, जो कि भारत में कुल 18 जयमंडल रिजर्व हैं। प्रश्न भी पूछा जाता है भारत में कुल कितने जयमंडल रिजर्व हैं, तो भारत में कुल 18 जयमंडल रिजर्व हैं। तो उन सभी को हम लोग देखेंगे इस
तो सबसे पहला जो है आपका जयमंडल रिजर्व, उसका नाम है नीलगिरी। इसका वर्ग किलोमीटर दिया है 5,520 वर्ग किलोमीटर में है यह। सबसे पहला जो है 1986 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो है बायनाद का हिस्सा नागरहोल, बांदीपुर तथा मुदुमलाई, नीलांबूर, शांत घाटी तथा सिरुवानी पहाड़ी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के हिस्से जो है इसमें आते हैं नीलगिरी जयमंडल रिजर्व के अंतर्गत। नेक्स्ट जो है वह आपका नंदा देवी 5,860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो आपसे ये क्षेत्रफल नहीं पूछा जाता है, बस आपसे पूछा जाएगा कहाँ है। तो नंदा देवी जो है आपका उत्तराखंड में है, चमौली, पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा जिलों के भूभाग, फूलों की घाटी जो है इसमें आता है नंदा देवी जयमंडल रिजर्व के अंतर्गत। अगला जो है वह आपका नोकरेक है, तो यह जो है गारो पहाड़ियों के भाग पर है मेघालय में। अगला है मानस, तो यह कोकराझार, बोगाई गांव, बरपेटा, नलबाड़ी, कामरूप एवं दरांग असम में है मानस जयमंडल रिजर्व। अगला है सुंदरवन जो कि 9,630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से वह तीसरा सबसे बड़ा जयमंडल रिजर्व है, यह पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन। अगला जो है मन्नार की खाड़ी, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है दूसरा सबसे बड़ा जयमंडल रिजर्व है, यह भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित मन्नार की खाड़ी के भारतीय भाग में तमिलनाडु में यह है। नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार, तो यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भाग पर है। अगला है सिमलीपाल जो कि मयूरभंज जिले का भाग है उड़ीसा में। अगला है डिब्रू सैखोवा, तो यह डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया जिले के भाग असम में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है यह सबसे छोटा जयमंडल रिजर्व है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा जयमंडल रिजर्व कौन सा है, तो यह हो जाएगा आपका डिब्रू सैखोवा जो कि असम में स्थित है। अगला है देहांग देबांग, तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश के सियांग एवं देबांग घाटी का भाग है देहांग देबांग जयमंडल रिजर्व। नेक्स्ट है कंचनजंगा, तो कंचनजंगा जो है यह उत्तर पश्चिमी सिक्किम का भाग है। नेक्स्ट है पंचमढ़ी जयमंडल रिजर्व, तो यह मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद एवं छिंदवाड़ा जिले का भाग है पंचमढ़ी जयमंडल रिजर्व। नेक्स्ट है अगस्त्यामलाई, यह तमिलनाडु के थिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों के भाग और केरल में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और जो है पाथन मथी रूटा जिले के भाग जो कि तमिलनाडु और केरल में यह विस्तृत है अगस्त्यामलाई जयमंडल रिजर्व। अगला है अचानक मार अमरकंटक, यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर और डिंडोरी जिलों के भाग तथा छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यह जयमंडल रिजर्व है अचानक मार और अमरकंटक। नेक्स्ट है कच्छ का रण, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जयमंडल रिजर्व है। इसका क्षेत्रफल जो है 12,454 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह गुजरात राज्य के कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर और पाटन सिविल जिलों के भाग में जो है कच्छ का रण आता है। और अगला जो है कोल्ड डेजर्ट, जो है शीत मरुस्थल है, ये 7,770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश स्थित पिन वैली राष्ट्रीय पार्क और आसपास का क्षेत्र, चंद्रताल और सरयू और किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसके अंतर्गत आते हैं, कोल्ड डेजर्ट वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत। अगला जो है वह आपका शेषाचलम जयमंडल रिजर्व जो है यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कडप्पा जिले के भाग में आता है। अगला है पन्ना जयमंडल रिजर्व, जो 2011 में यह अस्तित्व में आया। यह मध्य प्रदेश केन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है पन्ना जयमंडल रिजर्व के अंतर्गत। तो यह था जो है 18 जयमंडल रिजर्व। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है भारत के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जयमंडल रिजर्व को देखें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।